वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज हम घर पे लड़ी पाव बनाना सीखेंगे। इसको कैसे बिल्कुल बेकरी वालों के जैसा हम लड़ी पाव सॉफ्ट नरम बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसे हम बेक करेंगे कढ़ाई में। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले हम अपने हाथों को और अपने स्लैब को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और इसके लिए मैंने मैदा लिया है 3 कप, मिल्क पाउडर लेंगे 3 बड़े चम्मच, और ये ऑप्शनल है, नमक 2 छोटे चम्मच, पाउडर शुगर लेंगे 6 बड़े चम्मच, शक्कर को मैंने मिक्सर में पीस लिया है बारीक, उसको ले लेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 2.5 छोटे चम्मच। वैसे आपके पास एक्टिव ड्राई ईस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका मेजरमेंट है जो अलग है, और इसका जो मेजरमेंट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज आप वहां से देख लें। अब हम इसमें लेंगे रिफाइंड ऑयल, आप जो भी रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसको ले लें, 3 बड़े चम्मच। साथ में मैंने लिया है मिल्क 1 कप, और बिल्कुल हल्का गुनगुना है, और 1/2 कप पानी लेंगे। आप चाहें तो 1.5 कप मिल्क ले सकते हैं या 1.5 कप पानी हल्का गुनगुना ले सकते हैं, इस तरह से आधा आधा ले लीजिए। अब इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और जब ये डो मिल जाए तब हम इसको अपने स्लैब पर निकालेंगे, और वहां पे इसकी हम निडिंग करेंगे बाय स्ट्रेचिंग, यानी स्ट्रेच करते हुए हम इसको गूथेंगे करीब 8 से 10 मिनट तक लगातार। यदि आपको ये डो ज्यादा गीला लग रहा है तो इसमें आप 1 से 2 बड़े चम्मच मैदा मिला सकते हैं, लेकिन ये डो अगर ये नरम रहेगा तो बहुत ही सॉफ्ट आपका पाव बनेगा। अब एक बाउल में थोड़ा तेल लगा लें, और इसमें हम अपना डो रखेंगे और इसको रेस्ट कराएंगे 15 से 20 मिनट तक, और किसी टॉवेल से या किसी प्लेट से ढक दें या क्लिंग पेपर से, जो भी आपके पास है। इसे थोड़ा गर्म स्थान पर रखें तो 15 से 20 मिनट में ये डबल हो जाएगा। यदि विंटर सीजन है तो इसको और लंबे समय तक रखना पड़ेगा डबल होने के लिए। और अभी हमारा डो है जो बिल्कुल डबल हो गया है फुल कर अच्छी तरह से। अब हम इसको पंच करेंगे और डो को इकट्ठा कर लेंगे। अब इस डो को ज्यादा गूथने की जरूरत नहीं है, बस इस डो को स्मूथ कर लें, और इस डो पे ज्यादा दबाव न डालें, बिल्कुल हल्के हाथों से करें। पाव को बेक करने के लिए आप जो भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एल्युमिनियम का हो तो ज्यादा अच्छा है, और उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और थोड़ा मैदे से डस्ट कर लें। फिर हम एक छोटा सा डो लेंगे और डो को इस तरह से अंदर टक करते हुए इसको फोल्ड करेंगे, इससे पाव बहुत ही अच्छा बनता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप डो बनाएं तो उसमें मैदे, सूखे मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। यदि चिपक रहा है डो तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें तो बनाए, और एक छोटे नींबू के बराबर का पोर्शन लेकर ही इसका डो बनाए, क्योंकि बाद में ये बहुत अच्छी तरह से जब फूलेगा तो अच्छे बड़े साइज का हो जाएगा, आप जैसा भी वीडियो में देखेंगे। तो इसको डो को हल्का चिकना करते जाएं, क्रेक नहीं रहना चाहिए। और अभी हमारा डो तैयार हो गया है, अब हम इस पे करेंगे मिल्क वॉश। इससे क्या है ना कि जो हमारा पाव है इसमें शाइनिंग आता है और ये बहुत ही स्मूथ बनता है, सॉफ्ट बनता है। मिल्क वॉश करने के बाद इसको फिर से हम रेस्ट करने देंगे, टॉवेल को ढक दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, और तब तक हम अपना जो कढ़ाई है ना प्री हीट करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल लिया है, और एक स्टैंड रख देंगे या एक छोटी कटोरी रख दीजिए, और धीमी आंच पर इसको 10 से 15 मिनट तक प्री हीट करने दीजिए। और अभी हमारा ये जो डो है ना बहुत अच्छी तरह से फूल गया है, और अब ये जाएगा बेक होने के लिए। एक को मैं कढ़ाई में बेक करूंगी और एक को मैं ओवन में बेक करूंगी, आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। और इसको मैंने कढ़ाई में रख दिया है, और दूसरे को मैंने प्री हीटेड ओवन में रख दिया है। इसका टेम्परेचर मैंने 220 डिग्री सेल्सियस पर रखा है 15 मिनट के लिए, और ये जो कढ़ाई में रखा हुआ पाव है मेरा 20 मिनट लगा है पकने में, और बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, बेक हो गया है। ऊपर से ये कलर नहीं आया है क्योंकि मैंने ग्लास से ढका था, लेकिन साइड में देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप इसे किसी भी एल्युमिनियम प्लेट से ढक के बनाएंगे तो ऊपर से भी हल्का गोल्डन कलर का आ जाएगा, और इसको हम निकालेंगे। और ओवन का देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है, बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन का, और दोनों ही पाव हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं, कढ़ाई में भी और ओवन में भी। इसको ज़्यादा शाइन करने के लिए आप इस पे बटर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में।
और यदि आपको इस रेसिपी को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।